नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है भोजपुरी 24x7 में। मैं आप सबका दोस्त विष्णु सुमन पाठक। आज हम लोग आरा बिहार के धरती पर जो कि आपके बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ के प्रशासन कितने टाइट है आपको दिखाए जा रहे हैं। हम लोग चौमुहान पे खड़े हैं, चौक पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का आवागमन जो है बिल्कुल ही ठप है। और साथ ही साथ में हमारी प्रशासन इतनी टाइट है कि बता भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ का माहौल एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है और देख सकते हैं। आइए, यहाँ के प्रभारी जो है हमारे और प्रशासन बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे जन्मदिन किस तरह से यहाँ की शांति व्यवस्था बनी है? बहुत अच्छा है, यहाँ की जनता का सहयोग बहुत अच्छा है जी। सर ये बताइए सर कि अभी कितने दिनों से आप लोग सर ये कड़ी धूप में आप ड्यूटी दे रहे हैं? सर आज चौथा दिन जी। तो ये लॉकडाउन का चौथा दिन है सर, रात हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ की जनता जो है पूर्ण सहयोग में है जी और बहुत अच्छा से चल रहा है। अच्छा कथा जो निकलता है उसको हम लोग समझा बुझा कर ये बताइए सर कि अभी तक कोई ऐसा भी सुनने को या देखने को मिला सर जो कि लॉकडाउन के खिलाफ जा रहे हो? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब सहयोग कर रहा है, जनता भी सहयोग कर रहा है हम लोग का जी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है आप या फिर जनता कर्फ्यू बिल्कुल ही एक जनता कर्फ्यू की तरह ही है और किया जा रहा है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने सर जगदीशपुर वासियों के लिए? बहुत अच्छा है, इस तरह का रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और घर में रहेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह बने रहो, देखते रहो भोजपुरी 24x7 न्यूज से। मैं विष्णु पाठक अपने सहयोगी सुनील के साथ लाइव अपडेट देते रहेंगे जगदीशपुर आरा बिहार।